फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट के यूज ऑफ वाज एंड वर, बहुत ही साधारण वाक्य जिसमें वाज वर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। यूज ऑफ वाज एंड वर, इस टाइप को कहते हैं सिंपल पास्ट। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, राम वहां था। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि राम सब्जेक्ट है, था हेल्पिंग वर्ब हो गई, बट इसमें कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो इसे कहते हैं सिंपल पास्ट। और इजारम होता है तो सिंपल प्रेजेंट, जैसा हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राम फिर वॉज एंड दे, राम वहां था। ठीक है, अब इसको अगर नेगेटिव में हम ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे, राम वहां नहीं था, तो इसका क्या होगा, राम पहले आ जाएगा, राम वॉज नहीं के लिए नॉट एंड देयर, राम वॉज नॉट देयर। ठीक है, इसी को अगर इंटरोगेटिव में करेंगे या प्रश्नवाचक करेंगे तो इंटरोगेटिव कुछ ऐसा होगा, क्या राम वहां था। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां केवल क्या लगा के इंटरोगेटिव बनाते हैं शुरू में, तो जो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में है इसे पहले ले आते हैं, तो हो जाएगा वॉज, ये था है तो वॉज, थे होता तो वर, तो वॉज राम देर, क्या राम वहां था। तो इस तरह से हम केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर इंटरोगेटिव में चेंज कर लेंगे। अगर इसका कुछ एक और टाइप होता सेंटेंस के बीच में, अगर प्रश्न होता राम वहां क्यों था, इस टाइप का आते ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी वाई, बाकी सब कहानी वही होगी, वाज राम देयर, राम वहां क्यों था, वाई वाज राम देयर। तो इस तरह से इंटरोगेटिव कर देंगे, हो जाएगा ना ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड मीनिंग्स हम लिख सकते हैं, वाज की हिंदी होगी था या थी, वेयर वर्ब इसे कहते हैं थे, तो ये जो है सिंगुलर है हिंदी में समझेंगे तो एक वचन, ये प्लुरल है हिंदी में समझेंगे बहुवचन। और अगर समझना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाज का यूज किसके साथ होगा, ही शी इट और आई, या नाउन एक वचन, जैसे हमने राम के साथ किया, राम की जगह पर कोई लड़का होता कोई बॉय तो भी एक वचन होता, लड़के होते बहुवचन। और वर का यूज करेंगे, वी यू दे या नाउन बहुवचन। तो यहां पर हम इस तरह से वॉज वर्ब के मीनिंग को समझते हुए ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट कर सकते हैं जिसमें वॉज वर्ब का यूज किया हो। सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, तो राम वॉज देयर, नेगेटिव में राम वाज नॉट, वाज के बाद नॉट आ जाएगा, वर के बाद नॉट आ जाएगा। और इसको जो इंटरोगेटिव करेंगे तो यही लास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर है ये पहले आ जाएगी, वाज राम या वर दे, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगर बीच में है, क्यों कहाँ कब कैसे क्या भी, तो वो पहले इसकी इंग्लिश आ जाएगी, वाई हाउ हु वेन वेयर, ओके। तो उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा. गॉट इट? इस तरह से हम सिंपल पास्ट कर सकते हैं.